अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कासिम अतारी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अतारी आर्ट्स। ये फ्रेंड्स, आज हमने एक बैलून टेक्चर तैयार करना है, लेकिन उसकी जो कैटेगरीज है, उसका जो तरीकाकार है, वो थोड़ा सा पहले से डिफरेंट है। तो उसके लिए हमने ये सबसे पहले ये जो वाइट ऑयल पेंट की बेस लगाई है, वाल पट्टी लगाकर इसको बिल्कुल जो है ना मलाइन किया हुआ है। तो उसके बाद हमने ये जो कलर यूज़ करना है, ये एक ब्लू कलर है जो कि 443 नंबर है इसका, और दूसरा इसमें हम डार्क ब्राउन इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए हमने इसको थोड़ा सा इधर डाल लेना है अपनी जगह पर, और उसके बाद हमने इसको मलमल के कपड़े के साथ अप्लाई करना है। ये देखिए किस तरह से इस पर ऊपर मिट्टी का तेल डाल देना। ये बहुत ही एक सिंपल तरीका है। तो लास्ट में हमें इसका इफेक्ट जो है वो भी आपको निकाल कर दिखाएंगे कि ये किस तरह से होता है। तो इसमें कलर थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं। लेकिन ये बहुत मजे वाला डिजाइन तैयार होने वाला है। प्लीज पूरी वाइज वॉच कीजिएगा। ये एक सिंपल कलर भी है और थोड़ा सा डिसेंट सा भी है, और उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आएगा। इस तरह से हमने इसको अप्लाई करना है। उसके बाद जो है हमने डार्क ब्राउन जो शेड है उसको थोड़ा सा इसमें ऐड कर लेंगे। ये भी मुख्तलिफ थोड़ी थोड़ी जगहों पर हमने इस तरह से कर लेना है। ये सारे को नहीं भरना, थोड़ा थोड़ा मुख्तलिफ जगहों पर करना है, और इसको हमने फिर से इस तरह इसके साथ टच कर देना। ये इतना मुश्किल नहीं होता जो कि हम जितना इसको परेशान होते हैं, वो इसमें चीज़ नहीं है। बिल्कुल ये रियल एक बहुत ही इजी के डिज़ाइन तैयार होता है। थोड़ी सी आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आप खुद भी इसको कर पाएंगे। कोई भी इतना इसमें मुश्किल नहीं है, और ना ही इसमें कोई ऐसी खास बात है जो आप नहीं कर सकते। तो जस्ट इस तरह से हमने इसको अप्लाई कर लेना है। उसके बाद हमारा जो टूल है वो भी आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। ये देख लेना, हमने ये फुटबॉल से बिल्कुल हवा जो ख़त्म करके इसको बिल्कुल हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है। एक छोटा सा इसमें हमने ये देखिए इस तरह से रोल इसको रोल कर ले बना लेना है। तो इसके साथ हम ये काम करेंगे। बहुत ही एक ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनने वाला है। तो आप देखेंगे तो उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा इंशाल्लाह। इसको 3D रॉयल प्ले भी कह सकते हैं, इसको 3D बैलून टेक्सचर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें 3D इफेक्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त तैयार होता है। आज गर्मी बहुत थी तो इसलिए मैं थोड़ा सा कपड़ों से बाहर हूँ, तो इसलिए क्योंकि लोड शेडिंग की आजकल बहुत ज़्यादा शिद्दत हो रही है, और गर्मी की शिद्दत भी बढ़ रही है दिन ब दिन, तो इसलिए थोड़ा सा इस तरह से हमने इसको अप्लाई करते हैं। ये जो हमारी खाली जगह बचेगी लास्ट में थोड़ी थोड़ी,
तो इसको हमें इस तरह से साथ में टच कर देना है। इसके बाद जो है वो हम थोड़ा सा इसको मज़ीद बढ़ाएंगे। तो ये जो खाली जगह हमारी थोड़ी थोड़ी बची हुई है, इसको हमने मज़ीद इसी फुटबॉल की जो है ये थोड़ी सी शेप बना लेनी है, कोना टाइप। तो उसको हम थोड़ा थोड़ा इस तरह से यहाँ एक छोटा सा फूल नुमा बना देंगे, रोज छोटा सा ये वाला, जो कि हमारी जगह फिल भी हो जाएगी और हमारा ये डिज़ाइन भी मज़ीद इसमें निखार पैदा होगा। देख सकते हैं कि बहुत ही इसमें कोई भी इतना मुश्किल काम नहीं है, जो हमने इतना बहुत ही इजी तरीके से हमने इसको अप्लाई कर लिया और ये तैयार हो चुका है हमारा डिज़ाइन जो था। वो आप खुद भी इसको बना सकते हैं अपने घरों में, दीवारों पे बना सकते हैं, फ्रिजेस पे बना सकते हैं, बेंचेस पे बना सकते हैं, टेबल वगैरह जिस जहाँ भी आपको अच्छा लगे वहाँ इसको क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि वाल पेपर टाइप ये तैयार हो जाएगा। तो बहुत ही ये एक अलग किस्म का वॉलपेपर आपका तैयार होगा, तो जहाँ चाहें आप बना सकते हैं इसको। इसमें कलर शेड जो है वो आप लाइट एंड डार्क भी कर सकते हैं, ज़्यादा मज़ीद भी इसको अप डाउन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ये देखिए एक 3D इफ़ेक्ट दे रहा है आपको, इसमें कोई इतना भी, ये देखें बिल्कुल ये 3D एक ज़बरदस्त सा डिज़ाइन तैयार हो रहा है। ये मुझे तो खैर बहुत ही पसंद है और आपको पता नहीं लगे या ना लगे, लेकिन कमेंट्स में हमें ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा ताकि हम मज़ीद भी इसमें निखार पैदा कर सकें। ये देखिए कि हम इसको आपको हर एंगल से दिखा रहे हैं कि ये हर तरफ जिस तरफ से आप देखेंगे इसको उसी तरफ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये पसंद आएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।